ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? जो पुस्तक मेला आप करवा रहे हैं इसका उद्देश्य ये है भाई साहब, हम जन जन में देवत्व जगाना चाहते हैं। आज देख रहे हैं समाज में विकृतियां बहुत बढ़ रही हैं, लोगों के विचार चिंतन बिगड़े हुए होने के कारण हम प्रयास कर रहे हैं पुस्तक मेला के माध्यम से हम उनके चिंतन को बदलें। विचार क्रांति अभियान है। आचार्य श्री राम शर्मा जी तपोनिष्ठ ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 साल तप किया है और उस तप को बल के द्वारा उन्होंने ये 3200 किताबें हैं ना लिखी हैं समाज सुधार के लिए। तो ये हमारा केवल एक युग परिवर्तन करने का ही एक मिशन है और इसके द्वारा हम ये निर्माण करना चाहते हैं। एक क्रांति है, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से हम जन जन में दिव्यत्व जगाना चाहते हैं। तो इसमें जैसे आप पूरे भारत में लगा रहे हैं या मतलब सिर्फ ये पूरे भारत में लग रहे हैं? ये साल हमारे गुरुजी का जन्म शताब्दी दिवस है और 6 नवंबर से 11 नवंबर तक हरिद्वार में एक बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। उस यज्ञ में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग आहुतियाँ देने के लिए विश्व स्तर से लोग आएंगे। अच्छा। और उसके ही संदर्भ में हम ये ज्ञान यज्ञ पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व स्तर पर इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और कौन से देशों में हो रहा? इसकी जानकारी मुझे ठीक से नहीं है। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ हो रहा? भारत में तो ये समझिए कि पूरे भारत में हर स्टेट में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे मेले में लोगों का किस तरह रहता है, प्रतिक्रिया क्या रहती है? और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है कि हम उनसे उत्साहित होकर हमारी पुस्तकें, हमने ये मेला 16 तारीख से शुरू किया था अप्रैल से और बीच में 3 दिन तक बारिश के कारण हम ठीक से है ना पाए। आज का ही हमारा 2 दिन के अंदर हमारी पुस्तकें 70% बिक चुकी हैं और यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स हमें इस मेले का मिला है। अभी हमें जस्ट जितनी पुस्तकें हमने मंगवाई थी उससे डबल या 1.5 गुना और ज़्यादा मंगवा रहे हैं। तो आपने जैसे कोई जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल या कॉलेजेस हैं, उनमें भी कुछ आपने इनविटेशन दिया है? हमने सभी मैक्सिमम प्रयास किया है कॉलेज स्कूल में इनविटेशन करने का। तो कोई आए हैं स्कूल से बच्चे आए? हाँ, हमारे पास मानव इंस्टीट्यूट से और इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हैं। स्कूल से नहीं आए? अभी स्कूल से छुट्टियां बीच में होने के कारण और मौसम ठीक नहीं होने के कारण नहीं आ सके। हम प्रयास करेंगे, अभी हमारी पुस्तकें भी कम हो गई हैं, 1-2 दिन के बाद जैसी पुस्तकें हमारी पूरी होंगी तो हम स्कूल को भी कवर करेंगे, सभी कॉलेज को कवर करेंगे। तो आगे मेला ये कहाँ लगाएंगे, इसके बाद कहाँ लगाएंगे? हमारे को आज इस मेले से प्रभावित होकर मिड टाउन के मालिक श्री राकेश अग्रवाल जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमें आगे भविष्य में इस मेला लगाने के लिए मिड टाउन होटल में निमंत्रित किया है और वो बोलते हैं कि आप भविष्य में जब भी कभी मेला ये लगाएँ तो हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना होटल आपको देंगे, आप उसमें 2-4-5 दिन 10 दिन जब भी चाहें आप मेला लगा सकते हैं। और उन्होंने हमें 11,000 की राशि भी है ना इस मेले के प्रयोजन से खुश होकर हमें अनुदान भी दिया है।